बेटा, जब तक इसकी तबीयत ठीक हो ना, तू भी जाके आराम कर ले। नहीं अम्मा, हमको जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है कि कितना थक गए हो। और वैसे भी अभय ने डॉक्टर को फोन कर दिया है ना, वो आ रही होगी। है जाओ, तब तक तुम आराम कर लो। शायद इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था हमें, क्योंकि स्वाति ठीक नहीं है। भैया इतनी देर हो गई है, हम लोग भदोही का ही नहीं पहुंचे अब तक। ठीक कौन से रास्ते से लेकर जा रहे हैं आप हमें? ये रास्ता तो भदोही हाईवे की तरफ जाता है। आपने आपने ऑटो का ही रोका है? अरे मैडम जी, ऑटो खराब हो गया है। चुपचाप अपने ये गहने हमारे हवाले कर दे। वरना चला गया पुत्री, शायद उसे पता चल गया कि तुम अकेली नहीं हो। हाँ, शायद आपसे डर के भाग गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सुहागन रहो। आज आपने हमें दो बार बचाया है बाबा। जिसके साथ संतोषी माँ हो, उसका कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। देवी संतोषी अपने भक्तों के लिए संपूर्ण संसार से युद्ध कर सकती हैं। पर अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपने घर भदोही कैसे पहुंचे। पुत्री, आगे का रास्ता बहुत कठिन है, पर यदि तुम हिम्मत के साथ जाओगी तो जरूर अपने लक्ष्य में सफल होगी। पर आपको कैसे पता कि आगे का रास्ता कठिन है? पुत्री, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, पर यदि ईश्वर का आशीर्वाद हो तो हर मुश्किल पार हो जाती है।
से अभी तक हमें ढूंढ रहा है। अच्छा ये होगा कि हम कहीं और जाकर छुप जाते, वो यहाँ से निकलेगा तो घर के नहीं निकल जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हमें ज्ञात था पवन पुत्र कि प्रभु श्री राम के नाम से आप अवश्य रुकेंगे और स्वाति की रक्षा करने के लिए हम आपका धन्यवाद कर पाएंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पवन पुत्र। हे महाबली, आपने पुत्री स्वाति को मार्ग दिखाया, देवेश जैसे रावण से उसे मुक्त भी करवाया, किंतु आपने ये भी कहा कि उसके आगे का मार्ग कठिन होगा, इसका क्या अर्थ है महाबली? देवऋषि, जब माता सीता मुक्त होकर वापस आई थी तो उनके आगे के मार्ग में भी बहुत कठिनाइयां थी। स्वयं प्रभु श्री राम को भी अनेकों कष्ट भोगने पड़े थे। यही जीवन है देवऋषि, इसे भय के साथ नहीं अपितु साहस के साथ आगे बढ़ाया जाता है। स्वाति के जीवन में कठिनाइयां अवश्य है, किंतु उसके पास भक्ति की शक्ति है। अपनी आंतरिक शक्ति से मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। बजरंगबली, आपने कुछ ही शब्दों में कह दिया कि हमारी भक्त और माँ सीता के जीवन की गति मेल खाती है, किंतु हमारी भक्त एक साधारण मनुष्य है पवन पुत्र। सत्य कहा आपने देवी संतोषी, किंतु आपकी परम भक्त साधारण होकर भी असाधारण है। वो आप ही के भांति सरल, संतुष्ट और साहस के साथ जीवन व्यतीत करने वाली है। देवी, भक्त और आराध्य का संबंध ऐसा ही होता है। भक्त आराध्य की छवि होता है। हे महाबली, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे एक और प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। पूछिए देवऋषि। महाबली, आपने इंद्रेश की अंगूठी स्वाति तक पहुंचाई, क्या इसके पीछे भी आपका कुछ प्रयोजन था? बिना प्रयोजन कुछ होता है क्या देवऋषि? तो कृपा करके बताइए ना, आपका क्या प्रयोजन था? कुछ प्रश्नों के उत्तर समय के साथ ही प्राप्त होते हैं, या ब्रह्मदेव इसका उत्तर दे सकते हैं। ब्रह्मदेव? बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग, कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंड प्रणाम चित के संग। जय श्री राम, जय श्री राम। ए बिटवा, ये काहे चिंता कर रहा है? डॉक्टर ने सबाती को दवाई दे दी है और कह रहा था थकान से बेहोश हुई है, जल्दी ठीक हो जाएगी। बीते दिनों कितना कुछ हुआ स्वाती की जिंदगी में, पर आज हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हे संतोषी माँ, आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम एक दूसरे से अलग ना हो और हम स्वाति को हमेशा खुश रख पाए। आशीर्वाद दीजिए माँ। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है इंद्रेश। मार्ग कठिन है इंद्रेश, किंतु अपने प्रिय का साथ साहस देता है। तुम्हें और स्वाति को सदा एक दूसरे के साथ चलना है।
कृपा संतोष, हमारी मदद करो। इसको फोड़ कर भी देखते हमारा फोन अंदर आ गया, हम लेकर आते हैं। अरे देवर जी, सब इंतजार कर रहे हैं आपका, जल्दी चलिए। अरे तो हम ले आते हैं ना, फिर चलेंगे बस। अरे भैया, अभी कौन आपको फोन कर रहा होगा, चलिए सब आपका इंतजार कर। खत्म होने वाली, कहाँ करें, घर पर ही ट्राई करते। हे भगवान, मेरा फोन क्यों नहीं कोई उठा रहा, मैं इसको फिर से लगाता। आइए आसन ग्रहण कीजिए। किसको फोन लगा रही थी तुम? बोले है ना तुमको कि तुम सिर्फ हमारी हो और किसी की नहीं, तो फिर काहे ये सब कर रही हो? तुम काहे ऐसा कर रहे हो देवेश, प्लीज हमें जाने दो ना। इसे कैसे जाने दे तुमको, काहे जाने दे? तुमको दिखाई नहीं देता कितना प्यार करते तुमसे? अगर आज तुम हमारे साथ नहीं चली ना, तो कसम से कह रहे तुम्हारी समाधि बना कर जाएंगे हम। देवेश देखो, हम ना, हम इंद्रेश की पत्नी है, तुम हमारे पीछे काहे पड़े हो? हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हाँ तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, हमें जाने दो प्लीज। हमको कोई नहीं मिलेगी, हमको कोई अच्छा ही नहीं लगता, तुम सिर्फ अच्छी लगती हो हमको। स्वाति, ये हमारा दिल ना तुम पर आया है, किसी और से लगेगा ही नहीं। देखो इना बहुत हो गया नाटक, आओ आओ साथ चलते घर, चलो घर चलते, आओ सीधे सीधे हमारे साथ चलो, चलो। हमको छोड़ के नहीं जा सकती,
रोहिणी, स्वाति की याददाश्त वापस आ गई है और वो घर से भाग गई उस इंद्रेश से मिलने के लिए। ये देवेश ना किसी काम का नहीं है। 4 दिन अपने पास स्वाति को नहीं रख पाया। स्वाति, तुम भले ही देवेश के हाथों से निकल गई हो, लेकिन हम तुम्हें किसी भी कीमत पर यहां वापस नहीं आने देंगे। ऐसे अब तक घर में काफी शांति लग रही है, इसका मतलब स्वाति वापस नहीं आई। फोन उठाओ, मुसीबत में है। घर के नंबर पर ट्राई करते हैं। कहीं फोन स्वाति का तो नहीं? बहन जी, कृपया वधु को बुलाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, हम लेके आते हैं दुल्हन को। जी धन्यवाद। हाँ, लेके आओ। इतनी जल्दी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, वो पक्का यहीं गई होगी। स्वाति बोल रहे हैं, हमें सब कुछ याद आ गया। इंद्रेश, जो जो तुम्हारे साथ है ना, वो हम नहीं है, वो बबली है, हमारी बहरूपिया। उसने हम दोनों को अलग किया इंद्रेश, और अब ना हम भाईने के पास खंडर गांव है ना, वो है। प्लीज जल्दी आ जाओ ना, वो देवेश हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हसन सिंह के परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा। वो बबली स्वाति बन के हमारे घर में रह रही थी। आपको दिखाते हैं इस घर की सती सावित्री बहू। ये देखिए, ये वाला नहीं, वो वीडियो किसी ने हटा दिया। ये दगाबाजी बहुत भारी पड़ेगी आपको। उसका मतलब है कि बबली और लैला मिले हुए हैं। तभी आज उसने सारे पत्ते खुलने नहीं दिए। बहुत बड़ा गेम खेला उस लोमड़ी ने हमारे साथ, बहुत बड़ा। अभी लैला को निकाला था और ये कमबख्त स्वाति आ गई। नहीं, हम तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं पहुंचने देंगे स्वाति। हमें स्वाति का काम तमाम करना होगा, क्योंकि देवेश के पास का कुछ नहीं। इंद्रेश, फोन को भी अभी बंद होना था। मां संतोष, आशा करते हैं कि इंद्रेश ने हमारी बात सुन ली होगी और वो हमें बचाने जरूर आएगा। मोहिनी, देखो हम जानते हैं तुम यहीं कहीं हो, इसलिए जहां कहीं भी छुपी हो ना, बाहर आ जाओ। ये देखो, यहां सिर्फ हम और तुम हैं, और कोई इंद्रेश तुमको बचाने नहीं आएगा। मोहिनी, we'll be right back.
स्वाति कहाँ रह गई अम्मा? तुम चिंता मत करो, अब अभी लवली लेने गई है उसको, आ रही होगी।